एक दो बच्चों की मां को डाकुओं ने अगवा कर लिया और उस औरत का पति अकेला उसे वापस लाने चल पड़ा। आज हम आपको दिखा रहे हैं गीता सोलंकी और उसके पति रमेश सोलंकी की गाथा का दूसरा भाग। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? टेस्टी टेस्टी टेस्टी। क्या हुआ? अभी तक आदत नहीं पड़ी क्या तेरे को हम लोगों की? अरे कोई तकलीफ है तो बता दे। क्या इन लोगों ने कोई भला बुरा बोल दिया क्या? अबे क्या बोला? मेरे पेट में। क्या तेरे पेट में? सर सर बच्चा। बच्चा? अब तो दया करो, पेट पड़ती हूँ। अगर तेरे पेट में बच्चा है तो वो बच्चा हमारा है। हम तेरे बच्चे को भी रखेंगे और तुझे भी। दया करो, दया करो मुझ पर, मुझे जाने दो। जाओ लेकिन अपने घर नहीं, हमारे घर। अब हमारा घर ही तेरा घर होगा। तू वहां जाएगी, बच्चा जनेगी और उसके बाद फिर हम सबकी खातिरदारी में जुट जाएगी, समझी? सुनो रे इरफान ताबिर, आज से ये औरत हमारे गैंग की हो गई है। इसका बच्चा हमारे गैंग का बच्चा होगा। हाँ, आज से हम इसे इसके नाम से पुकारें, मेरा दिया हुआ नाम नुसरत। कैसा लगा मेरा नाम? बोलो। बिल्कुल सटीक बैठा भाई जान। चिंता है इसे। तो आज से इसका नया नाम है नुसरत। भीरू गांव के चौक पर 11 बजे पहुंच जाना। मैं लाल रंग की मोटरसाइकिल के पास खड़ा रहूंगा। और हाँ, पैसे लेकर आना। हम जाएंगे रमेश कुमार। मैं ना पहले आगे जाके उसको पैसे देती हूँ, तुम सामने मत आना। एक तरफ खड़े रह के सब मोबाइल में उतार लेना। फारूक भाई कुरैसी। जीना बहन पैसे लाई हो ना? पूरा 10,000 छे भाई। हमारी गीता कब मिलेगी? अभी बातचीत शुरू हो गई है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ज्यादा नहीं। आपकी बेटी आ जाएगी। कुछ टाइम तो बताओ, एक दिन दो दिन कब आएगी? जब 3 महीने से ज्यादा इंतजार किया है तो कुछ दिन और सही। और मेरा फोन चालू है, कभी भी ये मैं सोची है कि मैं पैसे लेके भाग जाऊंगा। सिर्फ 10,000 के लिए इतनी मेहनत नहीं करूंगा मैं। मुझे पूरे पैसे चाहिए और आपको गीता, दोनों की जरूरत पूरी होगी। चलता हूँ। थोड़ा कुछ तो बताओ। एक तरफ अपने आप को सोशल वर्कर बताने वाला फारूक कुरैशी गीता की माँ वीना को आश्वासन दे रहा था कि गीता कुछ ही दिनों में घर लौटेगी। दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही थी। जंगल में लाला गैंग प्रेग्नेंट गीता को एक नई जगह ले गए थे। ये जगह थी जहाँ जहांगीर लाला का परिवार रहता था। ये घने जंगलों के बीच एक सुनसान इलाका था। हिम्मत तो देखो इसकी। कहता है नुसरत आज से तेरी जिम्मेदारी है मुमताज। भाभी जान, अब ऐसी हालत में जागीर भाई उस खातून को कहां कहां लेकर घूमेंगे अपने साथ? जानू में जाए मेरी बला से। गहरी गहरी औरत उठा लाते, मजे मारते, इनका पेट भरा या उसका पेट भरा पटक देते मेरे मत्थे। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि जहांगीर भाई एक बार जो फैसला कर लेते हैं
कुछ कर लेते। तेरे उल्टे जवाब सुनने के वास्ते तेरे को पालता नहीं हूं मैं, अपनी जान जोखिम में डालू मैं, जंगल में शिकार करूं मैं, और सवाल जवाब करे तू, ठोसता हूं ना तेरे मुंह में पैसा। कोई शिकार नहीं हूं, बीबी हूं तुम्हारी बीबी। तूने सोच कैसे लिया कि तुम्हारे गिरोह के रखेल की देखभाल करूंगी मैं? पेट में बच्चा है उसके। किसका? तुम में से किसी का। ज्यादा सवाल जवाब नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुन। तू उस तंबू के बाजू में एक और तंबू लगाएगी, नुसरत उसी में रहेगी, तू उसका ढंग से ध्यान रखेगी, उसे खिलाएगी पिलाएगी, उसका बच्चा जन्माएगी, और ज्यादा बकवास की ना। तो देख के तो नहीं लगता तेरा पहला है। कितने जने इसके पहले? हाँ तू तो यहाँ कुंवारी दुल्हन की तरह क्यों बैठी है? को यहाँ जाना है ना तो काम भी करना पड़ेगा, इन लोगों के कपड़े भी धोने पड़ेंगे, समझी नुसरत? दोबारा नहीं बताऊंगी मैं। अब चल उठ। दिवस थे गया पैसा दीदा ने हमने। फारूक भाई कहाँ है मेरी गीता? बातचीत शुरू हो गई होगी ना बहन, आप बस आगे के 15,000 तैयार रखो, परसों वहीं मिलेंगे 11 बजे पैसे लेने। बीजा 15,000? फारूक भाई अभी तक तुमने कोई गीता की खबर तक नहीं दी हमको, और तुमने कहा था ना जल्दी आएगी गीता। जल्दी का मतलब अभी तो नहीं होता ना वीना बहन। अब मैं किसी सब्जी वाले या किसी किराने वाले से तकादा नहीं कर रहा हूँ, ये डाकू है वो लोग। और एक बात आपको बता रहा हूँ, गीता पहली औरत होगी जो लाला गैंग से जिंदा वापस आएगी, वरना आज तक ऐसा हुआ नहीं है। फारूक भाई तुम कुछ भी करो, बात करो उनसे, कुछ भी करो, मेरी गीता को वापस ले आओ। आप पैसे ले आओ बस, ठीक है? अरे मूर्ख बना रहा है आदमी हमको, मूर्ख। बाल लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, पर हम क्या कर सकते हैं और हैं? पुलिस तो कुछ करती नहीं है, ये एक ही आदमी है जिस पर हम कुछ भरोसा कर सकते। और 15,000 का बंदोबस्त करता हूं, लेकिन बाकी एक भी पैसा नहीं दूंगा। बाकी के 50,000 रुपए देंगे, लेकिन लेकिन मेरी गीता के वापस आने के बाद। मने खराब समझो हो तो खराब समझो, पर मैं कह देता हूं, गीता के लौट के आने के बाद हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो 15,000-20,000 से बहुत ज्यादा होगी। अब तो बताओ कब मिलेगी वो? समझो बहुत जल्द। बहुत जल्दी बंद करो भाई, तुम्हें कौन से कब आएगी? तारीख बताओ। क्यों पूरी बात लेके आना है क्या? मैं ये पैसे ले जाकर उनको दूंगा, उन्हें लगा कि गीता को छोड़ने में उन्हें कोई खतरा नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। हाँ इसमें महीना नहीं लगेगा, लेकिन कुछ दिन लगेंगे ना, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तरसों भी हो सकता है, मैं बताऊंगा आपको। नुसरत, ओ नुसरत, नुसरत जवाब क्यों नहीं दे रही रे? हाँ ये कोई मियाँ बीबी का झगड़ा नहीं चल रहा जो मुंह खुला कर बैठ गई तू। अब क्या दिन भर कपड़े ही धोती रहेगी तू? बर्तन कौन धोएगा? खाना कौन बनाएगा, तेरा ससुर या मेरा बाप? नजरे नीचे वरना आंखें फोड़ दूंगी तेरी, इसी लात पड़ेगी ना मेरी, देखूंगी नहीं कि तू पेट वेट से है। जल्दी हाथ चला। अपने साथ हुए इस भयंकर हादसे का दर्द गीता सोलंकी ने खामोशी की चादर में लपेट लिया था, पर बीच बीच में मायूसी का पर्दा खिसकता, उम्मीद की रोशनी की चंद किरणें गीता पर गिरती, उसे हल्का सा आभास होता कि शायद वो एक दिन आजाद होगी इस नरक से। पर गीता के परिवार वाले फारूक कुरेशी से नाउमीद होते जा रहे थे। फारूक के ये शब्द कुछ दिन बाद, बहुत जल्द, ये सारे शब्द महज शब्द बनकर रह गए थे। हकीकत तो ये थी कि फारूक कुरेशी ने गीता के परिवार को तनाव के कगार पर धकेल दिया था, और फिर अचानक एक ऐसी रात आई
जब गीता के पति रमेश और गीता की मां वीना का उस आदमी से साक्षात सामना हुआ जिसने गीता को गुलाम बनाकर रखा था। रमेश भाई, तू अच्छा सुन भाई। लाला, जहांगीर लाला, भंडारी के लड़के का सगाई है तो उसका गिरोह और जहांगीर लाला आ गए छे। मेरी गीता भी थी उनके साथ। वो तो मेरे को पता नहीं भाई। तुमने जहांगीर लाला को देखा? एक बार देखा है बस। तो चलो मेरे साथ। अरे पर हाथ जोड़ो तुम्हारा, हाथ जोड़ो, पग पड़ो तुम्हारा, मुझे दूर से इशारा कर देना बस। हाँ भाई। फिर बाद में भाग जाना बस। ठीक छे, हालो। साफो पहने ना, उससे बात कर रहा है वो जहांगीर लाला है। वो मुच्छड़? हाँ, जाऊं फारूक, धोखा दिया हमेरे को, लाला के साथ मिला हुआ लगता है। मैं सीधा लाला के पास जाता हूँ और गीता को मांगता हूँ। जी नहीं, बात समझाओ जी जी को। रमेश कुमार गलती कर रहे हैं। ए मुकेश, गीता तारी बहन जे, बहन मारी बाईडी जे। हाथ लाला ने गीता को वापस नहीं लौटाया ना, मारी ना के जानती। रमेश कुमार अरे पण बा, इस तरीके से उसके सामने गए ना, जिंदगी भर वापस नहीं करेगा गीता बहन को। ऐसा करते यहाँ के पुलिस थाने में दाचा जाते, उनको बताते कि ये कुख्यात डाकू लाला ये भंडारी की बेटी की सगाई में आया हुआ है, उसे पकड़ लो। जहांगीर लाला को देखा? हाँ सर। तुम लोगों को पता कैसे चला कि जहांगीर लाला है? साहब हमारे साथ एक आदमी आया था, उसने पहले भी जहांगीर लाला को देखा है। और वो जहांगीर लाला के साथ फारूक कुरैशी भी था। वो बात कर रहा था उससे, उसी ने पैसे लिए हमारी बेटी लौटाने के लिए। तो अब आप लोग दलालों की मदद लोगे? हाँ, तो आप लोग तो हमारी मदद करते हो नहीं, तो हम लोग तो सामने जो आएगा उसकी मदद लेंगे ना साहब। जाएंगे कहाँ हम लोग? हम लोग अंधेरे में हाथ पर मार रहे साहब, इतने सारे पुलिस वाले, लेकिन मेरी एक बाइडी को वापस ला नहीं सकते। आवाज नीचे। अरे आप क्या बोलो साहब, मेरे हाथ जोड़ो, मैं चमड़ी निकाल दूं। आप चलो मेरे साथ साहब, भगवान के लिए आप चलो। अरे चलते नहीं आप साहब, चलो मेरी बाइडी। श्री कृष्ण। शो अच्छे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की सगाई में आप ऐसे? खबर मिली छे के डाकू जहांगीर लाला यहाँ पे था। कौन अफवाह फैलावे छे आ बधी? ऐसी वाहियात बात आपको किसने बताई? इंस्पेक्टर साहब, हम सबने अपनी आंखों से देखा था। आ लोगों की फरियाद करी छे, लेकिन ये लोग है कौन? 4 महीने से मेरी बाइडी गायब है और ये जहांगीर लाला मेरी बाइडी को जबरदस्ती उठा के लेके गए। आज तक मेरी बाइडी वापस नहीं मिली मुझे, और वो जहांगीर लाला इधर ही था इनके साथ, और ओ उसका दूसरा आदमी फारूक भी था। फारूक इधर साहब, वो दोनों भी यही थे, इनके साथ ही थे, और शायद टोली के बाकी के लोग भी होंगे यहाँ। पता नहीं ये डाकू लोग ये आदमी की बेटी की सगाई में क्या कर रहे थे। ओ बहन, मोड़ू संभाली ने बात करो तुम्हें, अपनी बिरादरी के सबसे इज्जतदार आदमी के आंगन में खड़ी हो आप। इंस्पेक्टर साहब, आप भी किन लोगों की बातों में आ गए? मेरी ही बेटी की सगाई पे मेरे घर की तलाशी लेने आ गए। देखो, किसी डाकू के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, झूठ बोल रहे हैं ये सब। भंडारी जी माफ कर जो, दरअसल बात यह है कि पिछले 4 महीनों से लोगों ने दिमाग की थही करके रखा है। इनको लगता है हमारे पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो काम है क्या आपके पास? ना ना, आपके पास काम है क्या? एक आदमी की बाइडी 4 महीने से कोई उठा के लेके गए, ना डाकू को पकड़ा, ना मेरी बाइडी को वापस लाए, तो फिर आपके होने का काम क्या है? मेरे घर में आके ऐसा बूम बराड़ा नहीं करने का। इधर करो बूम बराड़ा, बोलो ना। हम सब सच बोलते हैं साहब,
वो फारूक इधर ही था और जहांगीर लाला भी इधर ही था इनके साथ। जहांगीर लाला यहाँ नहीं आया था इंस्पेक्टर साहब। इधर आया था। तेरे को जहांगीर लाला पकड़ना है ना तो जा जंगल में घुस जा, भिड़ जा उसे। ए नथू बबलू इधर आओ, बाहर निकालो इन लोगों को। इस घर से नहीं पूरे गांव से बाहर निकालो। भंडारी जी उसकी जरूरत नहीं है, मैं माफी मांगता हूँ उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी कि आपकी बेटी की सगाई में आके आपको परेशान किया। चले उपाड़ो इन्हें। अरे आ चल चल चलो। साहब 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 एक मिनट, भरोसा नहीं है मुझ पर। ये देखिए हम लोग ने वीडियो शूटिंग किया है, ये फारूक है, ये फारूक देखिए, ये फारूक ने हमसे वादा किया था मेरी गीता को वापस लौटने का, पैसे भी लिए थे, और यही फारूक इधर था जहांगीर लाला के साथ इधर थोड़ी देर पहले। ये अपनी जासूसी अपने पास रख, तांडव किया था ना थाने में इसके लिए इधर पे आए, एक चूहा नहीं मिला यहाँ पे। डाकू जहांगीर लाला तो बहुत दूर की बात है। अरे ये एक बात सामी लो, ये मैटर को अब क्लोज कर दो। क्लोज समझ में आता है ना? बंद। अरे ऐसे कैसे क्लोज कर दे साहब, मेरी बहन उन डाकुओं के कब्जे में। मुझे तो लगता है ये भी उनके साथ मिले हुए हैं। चुप है। साहब ऐसा हुआ तो बोल दो, हम आपको परेशान। सामार मेरी जगह कोई दूसरा होता ना तो चमड़ी उधेड़ देता इस इल्जाम के लिए। नहीं नहीं साहब, ये फारूक है ना, उसको मैंने यहाँ देखा था। हाँ साहब, अभी वो भाग के ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जो बेल, ये जो भी नाम तुम ले रही हो ना, वो यहाँ भंडारी जी की बेटी की सगाई में नहीं, तुम्हारे मन में है। ले ले सो। अरे पागल हो गए क्या आप लोग? फारूक, हमने मेरी आंखों से देखा है सब कुछ। वो हर चीज जो दिखती है सच नहीं होती है, और एक तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमने गलती करी है? तू हमारे से पैसा लेके उस डाकू के साथ बेच के बैठ के शरबत पीता है। मीना बेन, अगर जहांगीर लाला को भनक भी लग गई ना कि आप लोग उसकी जासूसी कर रहे हो, तो समझ लो कि गीता इस जन्म में आप लोग को मिलने वाली नहीं है। तू ना हमारे को अब ज्यादा मूर्ख मत बना। वैसे भी इस जन्म में ना तेरे से हमारी बेटी नहीं मिलने वाली है, इतना तो समझ में आ गया हमको, समझा? एक मिनट बाप, फोन आपा। हेलो फारूक, फारूक सुन, रमेश बोल रहा हूँ। रमेश गीता का पति। तूने जितने पैसे मांगे उतने पैसे हमने दिए, और तूने पैसे लेकर गीता को वापस लौटने का वादा किया था तो वादा पूरा कर। तेरी बायड़ी लाला की मुट्ठी में, अब उस मुट्ठी को खोलने के लिए मुझे उसको फुसलाना पड़ेगा, तभी तो मुट्ठी खुलेगी और गीता निकलेगी, है ना? अरे यार मैं वही कर रहा था वहाँ पे। तुझे क्या लगता है हम लोग सब दूध पीते बच्चे हैं? तू दूध पीता बच्चा नहीं, खून पीता शेर है। एक काम कर, जंगल में जा, दहाड़ मार, पंजा मार और छुड़ा ला अपनी शेरनी को। और सुन, फोन करके जाना, नंबर लिख। एक मिनट उबर है, कागज पेन लेके। नंबर आप ऐसे, हाँ नंबर बोल। 444 444 987 898। आज की बात फोन नहीं करना मुझे। तू बोलो क्या बोला वो, क्या बोला वो? अब क्या डाकू को फोन लगा रहे हो क्या? गीता को वापस लाना है बापूजी। अरे मान है, इस बात किसका फोन है? साला जानो निकल गया हाथ से। कोई अनजाना नंबर है भाईजान। साले कुतरे की तो खैर नहीं। कौन है बे? हेलो, जहांगीर लाला बोल रहे हैं। हाँ नहीं तो क्या, तेरे बच्चों का बाप बोल रहा हूँ भूतनी के? मेरे को फोन करके मेरे से ही पूछता है कौन बोल रहा है। कुतरे तू साला कौन बोल रहा है? मैं रमेश सोलंकी बोलता हूँ, गीता सोलंकी का पति। कौन गीता सोलंकी? जिसको तूने अगवा किया था। हैं? क्या किया था? जिसको तूने दिन दहाड़े उठा लिया था ना, धारे ले गया उसे 4 महीने पहले। वो गीता की बात करता हूँ। हाँ नुसरत, पहले जो भी नाम था उसका गीता सीधा मैं नहीं जानता, अब वो नुसरत है नुसरत। ए वो मेरी बाईडी है लाला। साले आइंदा अगर मुझे फोन किया ना तेरे घर पे आके तेरे को ठोक दूंगा। गीता मर चुकी है और नुसरत तेरे मुंह पे थूकेगी भी नहीं। ए तू कुछ भी बोलना बंद कर। ए तेरे में हिम्मत है तो तू सामने आने, फिर देख तेरे मैं क्या हाल करता हूँ। तेरे तो बच्चे है ना, शांति से रह, वो दूसरी कर ले। हेलो 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 जहांगीर लाला। ए भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गीता को छोड़ दे भाई, कम से कम मेरे बच्चों के वास्ते मेरी गीता को छोड़ दो। क्या सच में छोड़ दूँ? छोड़ दे भाई माफी मांगता हूँ लाला भाई। चल छोड़ देता हूँ, लेकिन उस पर बहुत खर्चा किया हमने, तो एक काम कर, एक 5-1 लाख का इंतजाम कर ले बच्चे। पैसे इकट्ठे हो जाए ना, इसी नंबर पे फोन करना। यहाँ की लाला रखेना बदलता है, सिम कार्ड नहीं, समझा? हेलो हेलो हेलो, क्या बोला? 5 लाख मांगे छे। 5 लाख ओके।
जी जी सब कुछ बेच भी देंगे तब भी 5 लाख इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी तरह इकट्ठे कर भी लिए ना, उसको दे भी दिए, तब भी वो गीता को वापस करने वाला नहीं है, ये लिख के ले लो हमसे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बापूजी आप? अरे पर 5 लाख आएंगे कहां से? अभी जहांगीर लाला को 1 रुपया नहीं दूंगा, देखना। अब कुछ भी हो, पुलिस को जहांगीर लाला को पकड़ना ही पड़ेगा। बस हो गया, बहुत हो गया। मेरी गीता ने और मेरे बच्चों ने बहुत सहन कर लिया। रमेश पुलिस के दरवाजे पर दस्तक देता रहा, देता रहा, देता रहा, ताकि कोई तो एक्शन लिया जाए और गीता को लाला के चंगुल से निकाला जाए। हताश होकर उसने अपनी तरफ से लाला से भी बात करने की कोशिश की। रमेश अपनी गीता तक पहुंच ही नहीं पा रहा था और गीता भी अपनी कैद से भागने का कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही थी। ऊपर से पेट में बच्चा बढ़ता जा रहा था, पर गीता का पेट से होने का उन दरिंदों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपना बलात्कार लगातार करते रहे। गीता, 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 गीता। पूरी तरह फ्रस्ट्रेट होकर कई बार रमेश जंगल में घुस जाता, पर लाला और गीता तक कभी नहीं पहुंच पाता। बस तकदीर की भूल भलैया में खोकर निराश अपने घर लौटता। आखिरकार बहुत ही देर से पर दुरुस्त रमेश को एक एनजीओ का पता चला, जिन्हें उसकी दशा से सहानुभूति थी। अब लगने लगा कि आखिरकार रमेश की मदद करने वाला कोई तो था। सात महीने हो गए। हाँ साहब। देखो रमेश, इतना बता देता हूं कि तुम्हारी पत्नी गीता पहली औरत नहीं जिसे ये डाकू उठा ले गए। हमारी बहुत सारी औरतें शिकार हुई हैं इन लोगों का। उसमें से कोई वापस आई है? ज्यादातर औरतों को डाकुओं ने इस्तेमाल करने के बाद मार डाला, और जो भी वहां से भाग पाई और लौट के आई, उन्हें गांव वालों के तानों और बहिष्कार ने जीते जी मार डाला। कई बार तो घर वाले ने ही दरवाजे नहीं खोले। हम लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग तो गांव छोड़ देंगे, शहर चले जाएंगे। मेरी गीता के लिए मैं कुछ भी करूंगा साहब, और ये जो कुछ भी हो उसमें मेरी गीता का कोई दोष नहीं है। अरे दोष पीड़ित का कैसे हो सकता है? दोष तो डर का है जो पब्लिक को नपुंसक बनाती है। दोष है आलस्य और लालच का जो पुलिस को अपना फर्ज भुला देती है। मनोहर भाई, पुलिस की तो बात ही मत करना, हैरान करने का। जब ने इतना दौड़ाया, इतना सताया है। मुझे भी कोई खास उम्मीद नहीं उनसे, लेकिन हम उनके पास जाएंगे और दोबारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे रमेश। दूसरे दिन रमेश कई दिनों के बाद दोबारा पुलिस थाने जाने वाला था, लेकिन इस बार वो नजरअंदाज किया गया एक आम नागरिक नहीं था। उसके साथ एक एनजीओ कार्यकर्ता खड़ा था जिससे रमेश को काफी उम्मीदें थी। पर उसी रात को जंगल में जहां गीता कैद थी, हालात काफी बदल गए। गीता ने इस कैद से आजाद होने की 3 नाकाम कोशिशें की थी। वो पकड़ी गई थी और उसे जान की धमकी भी दी गई थी।
नुसरत, कहाँ मर गई कमीनी? नुसरत, अरे वो नुसरत को ढूंढो, जाओ देखो कहाँ है नुसरत। क्या हुआ? नुसरत तो तेरे साथ सो रही थी ना? अब नहीं है वहाँ। इरफान, अबे तुम दोनों मोटरसाइकिल लेकर सड़क की तरफ जाओ, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं गई होगी। और सुनो तुम अन्ना, पीछे जाके देखो, उसकी हालत ऐसी नहीं कि बहुत दूर तक जा सके। जा जल्दी। अफीम खा करके सो रही थी जो पता नहीं चला? तुम लोग क्या खा के सोए थे? तुम लोगों के नाक के नीचे से फरार हुई है नुसरत, तुम्हारी नुसरत जान। एक! महीने के ऊपर हो गए हैं। पता है बापूजी, 7 महीने हो गए, पता है। हाँ तो अब कहाँ से मिलेगी? ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं बापूजी। और अब तो मनोहर भाई भी है ना हमारी मदद करने के लिए। गीता ने अपने परिवार वालों को अपने अंदर के हर जख्म की दास्तां बयां की और उसके अंदर पल रही विडंबना भी किसी से चूकी नहीं थी। तू रो मत गीता, मैं हर हालत में तेरे साथ रहूंगा। मुझे पता है ये जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। किसी से भी शिकायत करनी पड़े ना, मैं करूंगा तुम्हारे लिए। पिताजी, आपका ये पति पूरे दिल से पूरी ताकत के साथ आपके लिए लड़ा है। चलिए पिताजी, पुलिस के पास चलते हैं, उन दरिंदों को सजा दिला कर रहे। ये है मेरी बड़ी गीता, जिसे 7 महीने तक पुलिस वाले छुड़ा नहीं पाए। वो जहांगीर लाला की गैंग से मेरी पत्नी खुद बच के भाग के आई। ये उस सारे गिरोह को पहचानती है, उस गैंग के सभी मददगारों की भी इसे खबर है। आप अभी के अभी इसकी शिकायत दर्ज कीजिए, एक टीम भेजकर जहांगीर लाला और उसकी गैंग को घसीट लीजिए। इंस्पेक्टर, अब तो आपके पास कोई बहाने नहीं। शुरू हो गई तानेबाजी। कुतरे भूखते रहते हैं बापूजी, हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क तो पड़ा है, आईने में चेहरा देख जाके अपना, कितना फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ा है, हम सबको मालूम था ना, पहले से मालूम था कि ऐसा ही होगा। हम सब तैयार है सबका सामना करने के लिए, सबको देख लेंगे। हाँ, गीता का पेट भी सब लोग देख लेंगे। 7 महीने डाकुओं के साथ रहकर आई है तो पहले 4 समय क्या मारो छे? दुश्मन हो गीता के, भूल गए बाप छो है ना? हाँ, गीता नु बाप छू, सारे समाज का नहीं।
जहां की फरियाद कॉपी मैंने जोड़ दी है और ये आपकी धारेली की जो नकल है वो भी साथ में लगा दी। अब आपकी पत्नी वापस आ गई है तो जाइए धारेली पुलिस स्टेशन, ये केस उनके अंडर में आता है। वाह साहब वाह, जब मेरी पत्नी गायब थी तब भी आप दोनों पुलिस थाने वालों ने जिम्मेदारी एक दूसरे पे थोप दी, अब जब वो वापस आ गई है तब भी ये खेल शुरू। जिसे तुम खेल कह रहे हो ना, ये सारा देश सरकारी प्रशासन ऐसे ही काम करता है। ये नहीं सर, देश बदल रहा। हाँ बस सोच बदलने में देर लग रही है, आप जैसे लोगों की सोच। जो भाई एनजीओ में बैठकर भाषण देना बहुत आसान है, मैदान में उतरो तब पता चलेगा क्या चलता है और क्या चलाना पड़ता है। एक गरीब औरत को डाकू धोखे से उठा ले जाते हैं, उसका बेचारा पति आपके सामने गिड़गिड़ाता है। आपके पास उस गिरोह की सारी इंफॉर्मेशन, हथियार है, आदमी है, पावर है, और इन दुख पीड़ितों की मदद करने के बजाय आप आज इन्हें सरकारी तौर तरीके सिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम भी आपको सिखाते हैं कि सरकारी काम करने के और भी कई तरीके हैं। चलो रमेश पहले ले जाओ। इस गाथा की पहली लड़ाई थी एक औरत की जो अपने अपहरणकर्ताओं के हाथों हर रात जलील हुई, रेप हुई और लगभग 7 महीने के बाद उनके चंगुल से भाग खड़ी हुई। उन 7 महीनों में उसके पति ने उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की और अब शुरू हुआ इस गाथा का दूसरा अध्याय। एक तरफ गीता को समाज के कठोर और दकियानुसी ख्यालातों का सामना करना था और दूसरी तरफ कानून की दहलीज पर अपने साथ हुए घोर अन्याय और उल्लंघन के बदले न्याय की फरियाद करनी थी। पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि सावनपुरा के सरपंच सिसोदिया के घर में गीता को जांगीर लाला ने बंदी बनाकर रखा था। गीता के पति रमेश सोलंकी ने खुद डाकू जांगीर लाला से फोन पर बातचीत की, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। उनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी। आज 21वीं सदी में औरत की ये हालत है, ये दुर्दशा। मीडिया ने इस विरोध की हवा को आग देकर उसे एक तूफान बना दिया, जिसकी वजह से प्रशासन की उन ऊंची इमारतों की खिड़कियां भी खड़खड़ा उठी जहां से सख्त और तुरंत कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती थी। और तुरंत और सख्त कार्रवाई हुई। प्रशासन के सबसे वरिष्ठ अफसरों ने इस केस में दोषी अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। मेरे सवाल का जवाब दो इंस्पेक्टर, तुमने 0 FIR के बारे में सुना है या नहीं? रमेश जी, आपको, गीता जी को और आपके घर वालों को जो तकलीफ सहनी पड़ी है खासकर हमारे डिपार्टमेंट के कारण, उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हुआ, मैं एक्सट्रीमली सॉरी। सर दरअसल इनका प्रॉब्लम अपने आप में इतना सीरियस था, पर दोरो पुलिस स्टेशन के स्टेशन इंचार्जेस ने हद से ज्यादा सताया रमेश को। सर मिस्टर मनोहर, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मुझे बहुत खेद है। उन दोनों ऑफिसर्स के खिलाफ मैंने इंक्वायरी बैठा दी है, अब ये केस एक तीसरा ही ऑफिसर हैंडल करेगा जो सीधे मुझे रिपोर्ट करेगा। अब सारी कंप्लेंट्स ली जाएगी, कड़क जवाब दिया जाएगा उन्हें, कड़क। मिस्टर मनोहर, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मुझे बहुत खेद है। उन दोनों ऑफिसर्स के खिलाफ मैंने इंक्वायरी बैठा दी है, अब ये केस एक तीसरा ही ऑफिसर हैंडल करेगा जो सीधे मुझे रिपोर्ट करेगा। अब सारी कंप्लेंट्स ली जाएगी, कड़क जवाब दिया जाएगा उन्हें, कड़क। थैंक यू सर। मैंने इमना माथे 3 नहीं 4 लोगों को नाम खबर छ, उनका सरदार जहांगीर लाला, उसकी बाईडी मुमताज, उसकी धीकरी रुबीना और एक परवेज और एक इरफान था जो मुझे सिसोदिया के घर से लाता था और वहां छोड़ जाता था, और 2 लोग थे, मैंने उनके नाम नहीं मालूम। कोई बात, पहचान के लिए तुम्हारे सामने जब खड़े होंगे तो खुद ब खुद अपना नाम बक देंगे। जबरदस्ती मेरा नाम बदल दिया साहब, रोज मुझे नुसरत नुसरत करके पुकारते थे साहब, एक भी रात नहीं छोड़ा, ये भी नहीं देखा कि मैं पेट से हूँ, बस रोज रात को टूट पड़ते थे जानवरों की तरह। देखिए आप रोइए मत, आपने बहुत हिम्मत और बहादुरी दिखाई, अब कमजोर मत पड़े। ये लेडी ऑफिसर मनीषा ही आपके साथ जाएगी, धारेली में आपका मेडिकल हो, कंप्लेंट को पूरा करने के लिए जरूरी है। साहब मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। देखो मेडिकल ऑफिसर से मिलो, बात करो, ये तो वही तय कर सकते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। वैसे तुमने जो कुछ भी कहा है वो इस कंप्लेंट में दर्ज है,
इस बार तुम्हें न्याय मिलेगा। नई पुलिस टीम पर इस केस का बहुत दबाव था। उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा ये जानने में कि लाला गैंग कहां हो सकता है। जो महीनों पहले होना चाहिए था वो अब हुआ। सारे डकैतों को गिरफ्तार किया गया। काफी गहरे गावे उसके पूरे शरीर पर, खासकर यौन अंगों पर, लेकिन वो भर जाएंगे। डॉक्टर, मेरी बायडी बोल रही थी कि उसे गर्भ गिराना है, खबर छ। लेकिन इस मामले में मैं अभी कोई भी निर्णय नहीं ले सकती, और ऐसे में अगर हम गर्भपात करते हैं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। आप लोग एक काम कीजिए, आप मनोहर भाई से बात कीजिए और कोर्ट में एक अपील कीजिए। किन हालातों में प्रेगनेंसी हुई है इस पे कोर्ट जरूर ध्यान देगी। आराम से, आराम से। मैंने डॉक्टर को बोल दिया है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे गिराना है। रमेश, उसने आपसे बात की? अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, सारी बातें बाद में होगी। इस स्टाम्प पेपर पर सब लिखा है, कोरट का कागज है, कोरट का। इसे तो किसी का बाप भी नहीं मुकर सकता। तो मुकर सकता है क्या साहब? पता नहीं मुझे इससे कितना फायदा होगा, पर हम लोग एक दलील जरूर दाखिल कर सकते कोर्ट में। जो करना है वो करेंगे मनोहर भाई। उन्होंने जबरदस्ती की है मेरी बाड़ी के साथ, उसी के कारण मेरी बाड़ी गर्भवती हुई, उसे वो बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन रमेश, वक्त भी तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, इसलिए डॉक्टर्स की राय ज़्यादा मायने रखती है इसमें। सर, आप भी जानते हैं कि ये दबाव में ली गए। वो तो साबित करना होगा मनोहर, है तो ये कानूनी दस्तावेज। कानूनी दस्तावेज मतलब? इसमें इसमें ये लिखा है कि गीता अपनी मर्जी से परवेश शेख के साथ रिश्ते में दाखिल हो रही है। लाला गैंग का वकील इस दस्तावेज को बतौर सबूत कोर्ट में पेश करेगा। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये अंगूठे का निशान वाकई में गीता सोलंकी का है या नहीं। ये बात तो साफ थी कि इस दस्तावेज पर गीता का अंगूठा जबरदस्ती लगवाया गया था, लेकिन ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कोर्ट में गीता के खिलाफ और डाकुओं के हित में जाने की ताकत रखता था। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता तो गीता की कंप्लेंट का क्या होता, जिसमें उसने अपने अपहरण और सामूहिक बलात्कार का चार्ज लगाया था। और अब गीता के पेट में पल रहे अनचाहे गर्भ पर क्या फैसला लिया जाएगा? क्या गीता अपनी पहले जैसी जिंदगी में लौट पाएगी? उसे यातनाओं के और कितने पुल पार करने पड़ेंगे? क्या इन भयंकर 7 महीनों की यादों को वो कभी भुला पाएगी? गीता और रमेश इस बात से अनजान थे कि इन 7 महीनों के दर्द के परे एक और बहुत ही तकलीफ देने वाला समय उनका इंतजार कर रहा था। यातनाओं का भूत साया बनकर गीता को हर दिशा से घेर रहा था। वो 7 महीने पहले की एक सुबह थी जब मोहल्ले के एक बच्चे ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी। तब से जो कहर सोलंकी परिवार पर टूट पड़ा था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या गीता और रमेश और गीता के घर वालों को एक सामान्य इज्जतदार जिंदगी बसर करने का मौका मिलेगा? गीता की गाथा का तीसरा और आखिरी भाग हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।